श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ते साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते तिखा हमला कीता है। उन्हां कहा कि हुण चन्नी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठियां लिख रही है कि केंद्र सरकार किसानां दी कर्जा माफी नूं लैके पहल करे अते पंजाब सरकार अपना बनदा हिस्सा इस विच पाउण लई तैयार है। सुखबीर ने चन्नी नूं पुछिया कि पंजाब दे किसानां नाल कर्जा माफी दा वादा पंजाब सरकार ने कीता सी जां केंद्र सरकार ने। उन्हां पंजाब कांग्रेस ते तंज कसदिया कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलन वालिया दी पार्टी है। पंजाब कांग्रेस किसानां नाल कीते कर्जा माफी दे अपने झूठे वादे नूं लुकाउण लई हुण केंद्र सरकार नूं चिट्ठियां लिख रही है। सुखबीर बादल ने अगे कहा कि हुण चन्नी सरकार ने पंजाब दे लोकां नूं 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देण दा वादा कीता है। हुण किते इह गल ना हो जावे कि किते चन्नी सरकार कह देवे कि असीं तां सिर्फ 1.5 रुपए देणा ते बाकी दा 1.5 रुपया केंद्र सरकार देवेगी। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानां दी पूर्ण कर्जा माफी लई प्रधानमंत्री मोदी नूं इक चिट्ठी लिखी है जिस विच कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानां दी कर्जा माफी लई पहलकदमी करे अते स्टेट सरकार अपना बनदा हिस्सा पाउण लई तैयार है। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.